हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शर, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज का जो ये वीडियो है, हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को लेके बात करेंगे, आईवीएफ के बाद होने वाले मिस्ड अबॉर्शंस को लेके। जो कपल्स आईवीएफ की जर्नी में अपने आप को डाल चुके होते हैं, जो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, एक सोशल ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, जो शायद बहुत सालों तक कोशिश करने के बाद, बहुत पैसों का खर्चा करने के बाद जब आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तब कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक लो सेल्फ एस्टीम को लेके चल रहे होते हैं। उनको लगता है कि वाकई में उनमें बहुत बड़ी ऐसी कोई तकलीफ है कि उनको संतानहीनता है, ईश्वर ने उनको संतानहीनता का श्राप दिया है। और ये चीज़ दिमाग में रखने के बाद एक बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये चीज़ ट्रिगर होती है और वो अपनी आईवीएफ की जर्नी आगे बढ़ाते हैं। और जब रिज़ल्ट के दिन उनको ये सुनने को मिलता है कि आपका आईवीएफ का रिज़ल्ट नेगेटिव है, या आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी, या फिर इनिशियली कुछ वीक्स की खुशी के बाद, पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद, बच्चा दिखने के बाद, जब ये डॉक्टर उनको छठे या आठवें हफ्ते के बीच में बताते हैं कि आपको बच्चा सही नहीं है, उसकी धड़कन ही नहीं आई है, या फिर धड़कन आके रुक गई है, आपको अबॉर्शन हुआ है, तब की जो पेशेंट की हालत होती है, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एनवायरनमेंट में होते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता है कि शायद उनमें ही कोई ऐसी खामी है कि उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब आपको मिस अबॉर्शन होता है, तब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। डोंट ब्लेम योरसेल्फ, क्योंकि जब ये न्यूज़ हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, हम में तो भारी मन होता ही है ये न्यूज़ कहने पे, पर जब पेशेंट को देते हैं तब हमेशा पेशेंट यही सोचता है कि इसमें मेरी ही गलती है, शायद मैंने कल रात को करवट बदल के उल्टा होके सो ली थी इसलिए बच्चा गिर गया, इसमें मेरी ही गलती है, शायद मैंने जल्दी से सीढ़ी चढ़ ली इसलिए मेरा बच्चा गिर गया, इसमें मेरी ही गलती है, शायद मैंने रात को कुछ गर्म चीज़ खा ली थी इसके वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गया, इसमें मेरी ही गलती है कि मैं माँ नहीं बन पाती हूँ, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने शायद कपड़े की डोल उठा ली थी, या पानी की भरी हुई डोल उठा ली थी, या मैं फिसल गई थी इसलिए मेरे बच्चा गिर गया। अगर आप अपने आप को ब्लेम करेंगे तो आपको कभी भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक नेगेटिव इमोशन डाल रहे हो। दूसरा, कि अगर पेशेंट का सेल्फ एस्टीम अच्छा है तो आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट होता है, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक वहम सा बिठा देता है कि तुमने शायद ऐसा किया था इसकी वजह से तुम्हारा बच्चा मिस हो गया। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी मिस होने के जितने भी कारण हैं वो सब रेंडम कारण हैं। ऐसा कोई पुख्ता रीज़न किसी भी डॉक्टर या किसी भी साइंस के पास नहीं आ पाया है कि आपको 100% बता सके कि आपको क्यों मिस हुआ। आपको मेरी ये बात सुनने पे तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा मिस हुआ पर उसका कोई कारण नहीं है। आपको इसके लिए समझना होगा कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का। बच्चे का गर्भ में चिपकना ये नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। और जब आप आईवीएफ करा रहे होते हैं, तब आपके जो डॉक्टर हैं वो और कोई चीज़ नहीं करते हैं, वो एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वो एग्स को बाहर खींच के स्पर्म के साथ उसका मिलन करवा के बच्चा बनाते हैं, और ये जो भ्रूण है 5 दिन का या 3 दिन का, उसको गर्भ के अंदर स्थानांतरित करते हैं। ट्रांसफ़र के बाद बच्चे का दीवार में चिपकना ये 100% कुदरती है और उसी तरह होता है जैसा किसी और ट्रीटमेंट में, IUIU में, नेचुरल प्रोसेस में, या दवाइयां लेके या इंजेक्शन लेके होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में डॉक्टर सिर्फ फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करता है। बच्चे का गर्भ में जाके चिपकना, भ्रूण का अपनी जगह पे चिपकना गर्भ की दीवार में, वो 100% नॉर्मल चीज़ है। तो ये कारण की वजह से अगर इस माइक्रो प्रोसेस में, बच्चे के इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको मिस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि भ्रूण में कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है। जब प्रेगनेंसी 2 या 3 बार आपको मिस होती है, तब आप लोगों को कहा जाता है कि शायद आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, और इसके लिए हमें IVF करवाने के बाद भी हमें PGD या PGS करना पड़ेगा। जब PGD किसी भी एम्ब्रियो का होता है, तब उसके क्रोमोसोमल डिफेक्ट को मालूम किया जाता है, यानी जो स्त्री के 23 क्रोमोसोम्स, रंगसूत्र की जो पैर्स है, और जो पुरुष के 23 रंगसूत्र के पैर है, उसका विभाजन और मिलन होने के बाद जो 23 क्रोमोसोम्स की पैर एक भ्रूण में आती है, उस क्रोमोसोम्स की उन रंगसूत्रों को जांचा जाता है।
तो एन्यूप्लॉयडी रेट हमें पता चलता है, क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मलिटी है तो पता चलता है, पर अगर क्रोमोसोमल नॉर्मल एम्ब्रियो भी हमने आपके भ्रूण में रखे तो भी आपकी मिस होने की संभावना उतनी ही है जितनी किसी नेचुरल प्रोसेस में है। नेचुरल प्रेगनेंसी का मिस्ड अबॉर्शन रेट 15-20% है, एंड दैट इज सो विथ IVF। IVF में इतना ही मिस्ड अबॉर्शन रेट है। और ये जो PGD या PGS कराए हुए एम्ब्रियो है, अगर ये नॉर्मल एम्ब्रियो भी अगर हम आपके गर्भ में रखते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके अंदर मोर देन 23,000 जेनेटिक कंपोनेंट है। इन सब कंपोनेंट की स्टडी करने तक का साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो 100% इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी कपल्स में रहती है। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और बहुत ही रैंडम है मिस अबॉर्शन होना। हाँ, जब मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये इवेंट एक रैंडम इवेंट है तो शायद एक डॉक्टर के नाते मैं समझ सकती हूँ कि ये रैंडम इवेंट है, बट एक पेशेंट के नाते आपको समझना कि आपकी बॉडी में यूं ही अबॉर्शन हो गया है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मिस्ड अबॉर्शन होना बहुत रैंडम इवेंट है, पर हमेशा हमारा नज़रिया जो है वो ऐसा रखना चाहिए कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है, ना कि आधा खाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अबॉर्शन हुआ है तो एक चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट भ्रूण आपकी दीवार में चिपक तो सकता है, एटलीस्ट आपका गर्भ भ्रूण को बच्चे को अपना तो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको नेचुरली प्रेगनेंसी या नॉर्मली आगे के IVF के साइकिल में प्रेगनेंसी रुक सकेगी। जब भी हमारे क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आता है और उसका नेगेटिव रिजल्ट हो, चाहे उसने नेचुरली कंसीव किया हो, IUI से कंसीव किया हो या IVF के बाद कंसीव हुआ हो, और अगर कंसीव होने के बाद मिस हो गया हो, तो हमारे लिए भी समझाना उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए समझना मुश्किल है कि अबॉर्शन क्यों हुआ। साइंस डेवलपमेंट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम PGD तक पहुंच चुके हैं, शायद आने वाले कुछ वर्षों में हम इससे ज़्यादा जेनेटिक डैमेज के बारे में भी हम रिपोर्ट्स करवा पाएंगे। पर आपको ये समझना है कि अगर आपको दो बार मिस अबॉर्शन हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि तीसरी बार भी हो, क्योंकि अगर कोई मेजर कारण होगा तो वो इन सब रिपोर्ट में पता चल जाएगा। और अगर ये सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो अपने आप में धीरज बनाए रखें और हमेशा दूसरी बार प्रयत्न करने के लिए अपना मन बनाएं, पॉजिटिव रहिए। अबॉर्शन होना उस भ्रूण की, उस एम्ब्रियो की डेस्टिनी में है, वो उसके नीति में ही था कि उसको मिस होना है। इसमें ना आपकी कोई फॉल्ट है, ना आपकी प्रोसीजर की कोई फॉल्ट है, ना IVF प्रोसेस की कोई फॉल्ट है। आशा करती हूँ इस वीडियो को लेके आप मोटिवेट हुए होंगे। ऐसे जितने भी कपल्स हैं जो ये इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि उनको IVF हुआ है और मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी प्रोत्साहन मिली होगी कि आपको रुकना नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी और होगी ही। थैंक यू।